नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल रावत एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी के अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन व महत्वपूर्ण खबरों का। खबर सर्वप्रथम उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के संदर्भ में है। परीक्षाएँ करीब हैं, किताबें अभी दूर हैं, यूयू में समय पर नहीं मिल पा रही हैं पाठ्य सामग्री। एमए राजनीतिक विज्ञान समेत अन्य विषयों के विद्यार्थी इससे परेशान हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में पर्याप्त किताबें न आने से विद्यार्थियों को समय पर पाठ्य सामग्री उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। कई बार विश्वविद्यालय के चक्कर काटने के बाद भी उनके हाथ निराशा लग रही है। यह स्थिति कोविड के बाद बनी हुई है। एमए राजनीतिक विज्ञान के तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की किताबें अब तक नहीं आ सकी हैं, जबकि कुछ समय के बाद परीक्षाएं होने वाली हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 20 जून तक किताबें आने की उम्मीद जताई है। इनमें से भी सभी विषयों की किताबें उपलब्ध हो पाएंगी ऐसा निश्चित नहीं है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के प्रदेश में 8 क्षेत्रीय सेंटर और 128 अध्ययन केंद्र हैं। विश्वविद्यालय के क्षेत्र कार्यशाला में पाठ्य सामग्री भेजी जाती है, यहाँ तक कि छात्र छात्राओं को उनके विषयों की किताबें मिलती है, लेकिन विश्वविद्यालय में कई विषयों की किताबें लंबे समय से नहीं आ सकी हैं। हल्द्वानी समेत तमाम क्षेत्र के विद्यार्थियों से पूछताछ के लिए रोजाना यूयू पहुंच रहे हैं, जहां से उन्हें किताबों के अभाव में खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। यूयू के हजार विद्यार्थी विभिन्न विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं। लंबे समय से किताबें न आने से वे अपनी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। कुछ समय बाद परीक्षाएँ भी होने वाली हैं, ऐसे में छात्र छात्राओं के बीच बिना किताबों के पढ़ाई को लेकर मानसिक तनाव बढ़ रहा है। बुधवार को चोखटिया अल्मोड़ा से आई भावना मेहरा, हल्द्वानी निवासी बबीता जोशी, नरेंद्र सिंह और कोटाबाग से आए भुवन चंद्र गोपाल राणा ने बताया कि वे यूयू से पॉलिटेक्निक साइंस में एमए कर रहे हैं। तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर की किताबें अब तक नहीं मिल पाई हैं। विश्वविद्यालय में बने पुस्तकालय से किताबों के बारे में जानकारी मांगने पर बताया गया कि किताबें उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने कहा कि किताबें न मिलने से पढ़ाई बाधित हो रही है। आपको जानकारी के लिए बता दें, इसी संबंध में प्रोफेसर पीडी पंत कुलसचिव उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा कहा गया कि कुछ विषयों की किताबें पहुंचने में देरी हुई हैं। 18 अप्रैल को संबंधित किताबें एजेंसी को ऑर्डर दे दिया गया था। कोविड के कारण कागज में आई कमी से ऐसा हो रहा है। 20 जून तक विश्वविद्यालय में किताबें आ जाएंगी, लेकिन खास बात यह है कि बिना किताबें छात्र छात्राएं एग्जामिनेशन कैसे देंगी। आपको जानकारी के लिए ये भी बता दें कि 5 दिवसीय बीएड विशेष कार्यशाला शुरू कर दिया गया है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा। इसमें बताया गया है कि बीएड विशेष शिक्षा के द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों की 5 दिवसीय कार्यशाला शुरू हो गई है। बुधवार को राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ दिव्यांग जन सशक्तिकरण संस्थान हल्द्वानी राजपुर रोड पर इसका शुभारंभ किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन संस्थान के निदेशक डॉक्टर हिमांशु दास और कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर सिद्धार्थ पोखरियाल ने किया। साथ ही उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में योग दिवस के उपलक्ष्य में बुधवार को साप्ताहिक योग कार्यक्रम की शुभारंभ कर दिया गया है। विश्वविद्यालय परिसर में 21 जून तक निबंध, पोस्टर, योगासन और योग प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता होंगी। योग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर भानु जोशी ने बताया कि योग दिवस की पूर्व संध्या पर 20 जून को योग की भूमिका और विभिन्न आयामों पर चर्चा के लिए राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया जाएगा। 21 जून को प्रतिभागियों की ओर से सामूहिक योग अभ्यास भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए 100 से अधिक प्रतियोगी पंजीकरण करा चुके हैं। प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को पुरस्कार भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि योग कार्यक्रम का उद्देश्य जन जन में योग के प्रति जागरूकता फैलाना है। अगली खबर अब नई दिल्ली से। सेना में जल्द भर्ती होंगे 40,000 अग्निवीरों की भर्ती। सेना में 3 अंगों के जवानों की भर्ती के लिए सरकार द्वारा अग्निपथ योजना की घोषणा एक दिन बाद बुधवार को भारतीय सेना ने कहा है कि वो जल्द ही इस योजना के तहत 40,000 जवान यानी अग्निवीरों की भर्ती करेंगी। उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने प्रेस से कहा कि भारतीय सेना अगले 180 दिन में 25,000 अग्निवीरों की भर्ती करेगा। इसके बाद 15,000 अग्निवीरों की भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा, प्रदेश के लिए 773 जिलों में इसके लिए भर्ती अभियान शुरू किया जाएगा। नौसेना भी 3,000 अग्निवीरों की भर्ती करेगा। इसमें नौसेना के पश्चिमी कमांड के कमांडर इन चीफ वॉइस एडमिरल अजवेंद्र बहादुर ने कहा कि अग्निपथ योजना के तहत नौसेना भी इसी साल 3,000 अग्निवीरों की भर्ती करेगा। इस योजना के तहत वायुसेना को 3,500 अग्निवीरों को भर्ती करना है। पहले साल इस योजना के तहत 46,500 अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे। सादी खबर अब देहरादून से। उत्तराखंड में 60,000 सरकारी पद खाली हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें, सत्ते में बैठे राजनीतिक दल अक्सर कहते हैं कि सरकारी नौकरियां हैं कहां। हकीकत यह है कि प्रदेश में 60,000
से करीब सरकारी पद खाली हैं। जी हां, मंगलवार को विधानसभा में पेश बजट दस्तावेजों के मुताबिक प्रदेश के विभागों में 59,699 पद खाली हैं। प्रदेश के विभिन्न विभागों में सभी श्रेणियों में कुल मिलाकर 2,54,920 पद स्वीकृत हैं। इसमें से 2,82,264 स्थायी हैं और 46,656 पद अस्थायी हैं। वहीं 19,522 पद भरे हुए हैं। खास बात यह है, दिलचस्प बात यह है कि सरकारों के पास पदों के खाली होने की आधिकारिक जानकारी रहती है, वो बेरोजगारी की बात उठती है तो वो विभागों से जानकारी तलब करते हैं, जैसे कि सरकार को पता ही ना हो। बहरहाल आपको बता दें, राजपत्रित के श्रेणी के पदों की बात करें तो सूबे में कुल 9,377 पद स्वीकृत हैं। इसमें से 84,787 स्थायी वो 980 अस्थायी हैं। इनमें से 6,107 पद भरे हुए हैं जबकि 3,270 पद खाली हैं। राजपत्रित ख श्रेणी में 12,961 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 11,980 स्थायी व 981 अस्थायी हैं। शहरी बेरोजगारी में उत्तराखंड नंबर वन पर आता है। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम समन्वयक मंत्रालय की राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के मई में पहले हफ्ते में जारी आवधिक श्रमवेल सर्वेक्षण के अनुसार मुताबिक 2021 की अक्टूबर से दिसंबर में देश में शहरी बेरोजगारी के मामले में 55.5% बेरोजगारी दर के साथ उत्तराखंड पहले नंबर पर है। साथ ही खबर देहरादून से है। वित्त विभाग की रिपोर्ट में सरकारी विभाग निगमों और सहायतित संस्थाओं में खाली समूह क ख ग और श्रेणी के खाली पदों का ब्यौरा दिया गया है। उत्तराखंड में 82,000 पद खाली मगर भर नहीं पाएगी सरकार। साल दर साल बढ़ता जा रहा है वेतन खर्च, युवाओं के लिए खुशी, सरकार के लिए चुनौती, दोहरे दबाव में प्रदेश सरकार। आपको बता दें यहाँ पे रिक्त श्रेणियों का ब्यौरा दिया गया है, स्क्रीन पर आप चेक इन कर सकते हैं, कितना स्थायी पद हैं, कितने अस्थायी पद अभी शामिल हैं, वो संपूर्ण ब्यौरा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही खबर, अब कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला उधम सिंह नगर के अंतर्गत पोस्ट जारी किया गया है लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम। तो इसके अंतर्गत आपका कानूनी सहायक रक्षा परामर्श प्रणाली के अंतर्गत काउंसलिंग एवं स्टाफ के चयन हेतु विज्ञापन जारी किया गया है, जिसे आप स्क्रीन पर चेकिंग कर सकते हैं। इसमें आपका चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसलिंग के वन पद हैं। 60,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। अकॉर्डिंग टू द चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसलिंग पोस्ट के अनुसार असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसलिंग के भी वन पद हैं 30,000, जिसके अंतर्गत पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। साथ ही जानकारी के लिए आपको ये भी बता दूं कि रिसेप्शनिस्ट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर की भी पोस्ट 20,000 पर मंथ सैलरी है। सहायक कार्यालय सहायक लिपिक के भी 20,000 पर मंथ सैलरी है। वन पोस्ट है एंड कार्यालय चपरासी की भी 12,000 पर मंथ पोस्ट है, वन पोस्ट है। इसकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इसमें बताया गया है कि अपना स्वपता लिखें व 25 के डाक टिकट चस्पा किए गए लिफाफे सहित अपना आवेदन पत्र भरकर संबंधित प्रपत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर के कार्यालय में डाक द्वारा दिनांक 25/6/2022 की शाम को 5 बजे तक आप प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही पदों की निर्धारित योग्यता अर्हताएं एवं आवेदन पत्र आदि के संबंध में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उधम सिंह नगर के ऑफिशियल वेबसाइट के रिक्रूटमेंट सेक्शन पर अवलोकन किया जा सकता है। इसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक इन कर सकते हैं। साथ ही खबर, अब कार्यालय जिला सेवा योजना अधिकारी नई टिहरी के अंतर्गत इसमें पोस्ट जारी किया गया है। इसके अंतर्गत रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा 18 जून 2022 को राजकीय ITI नई टिहरी में प्रातः 10 बजे। इसमें टाटा मोटर्स पंत नगर के अंतर्गत नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी इन्हांसमेंट मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षकों के 200 अस्थायी पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। आयु सीमा इसमें 18 से 23 वर्ष रखी गई है। वेतन एंड स्टाइपेंड की जानकारी दिया गया 11,370 रुपये। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो इस अगर रोजगार फेयर में इच्छुक हैं तो वो इसके में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही बात करें IREL यानी आपका IREL इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार के उपक्रम परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रबंधक सुरक्षा यानी मैनेजर सिक्योरिटी के 3 पोस्ट हैं। साथ ही में वरिष्ठ प्रबंधक सुरक्षा सीनियर मैनेजर सिक्योरिटी के 2 पोस्ट हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.irel.co.in पर आप चेकिंग कर सकते हैं। समस्त जानकारी, शैक्षणिक योग्यता एवं इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी आपको वहीं पर देखने को मिल जाएगी।
सो गाइस दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेक श्योर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।